तो गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ चंद ट्रिक बताऊंगा अपने YouTube चैनल का जो वीडियो का व्यूज़ है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही टैक्स से रिलेटेड, YouTube टिप्स से रिलेटेड, अदरवाइज कोई भी इन्फॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ को बनाता रहता हूं के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चैनल का नाम है अलग्रो। आप बेसिकली जानते होंगे, जो भी क्रिएटर्स हैं YouTube क्रिएटर्स वो बेसिकली जानते होंगे कि अलग्रो एक YouTube चैनल है। उनके YouTube वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ इंक्रीज हो जाती है। आप देखिए कैसे भी वीडियो का व्यूज़ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसने उनके चैनल पर कुछ ही दिन हुआ था चैनल को स्टार्टिंग किए हुए, लेकिन उनके जो चैनल का ग्रोविंग है ना, अभी 2 लाख के करीबन सब्सक्राइबर होने को है एंड काफ़ी तेज़ी से उनका जो चैनल है वो ग्रो हो रहा है, अलग्रो का जो यूट्यूब चैनल है। तो क्या अपने यूट्यूब चैनल पर उसने ट्रिक किया, क्या कुछ किया, पूरा सर्च करने के बाद एक चीज़ मैंने नोटिस किया, ठीक है। अब वो क्या चीज़ नोटिस किया है मैंने वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आप एक न्यू क्रिएटर स्टार्टिंग करते हो अपने यूट्यूब चैनल को, जब न्यू चैनल आपका रहता है तो आपके चैनल पर 0 व्यूज़ रहता है, 0 सब्सक्राइबर, 0 व्यूज़, 0 कंटेंट, कुछ भी आपका ब्लैंक रहता है आपके चैनल पर। जब आप अपने यूट्यूब चैनल पर सब कुछ बोलते हैं, बहुत सारे आप क्रिएटर्स को देखे होंगे कि चैनल पर कीवर्ड्स डालो, टाइटल सॉरी जो आपका चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है अबाउट में, अबाउट सेक्शन में वो लगाओ एंड आपके चैनल का कीवर्ड्स लगाओ, बढ़िया तरीके से कस्टमाइज करो अपने यूट्यूब चैनल पर, तब जाके आपका जो चैनल है वो ग्रोथिंग होगा। तो ये तब तो ये तो नॉर्मल बात हो गई फ्रेंड्स, जो भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग करेगा जो भी बंदा, वो तो अपने यूट्यूब का जो कीवर्ड्स है एंड अबाउट सेक्शन में जो भी अबाउट लिखना होता होगा वो तो बेसिकली लिखवे करेगा, ठीक है। लेकिन अदरवाइज जो चैनल पर वीडियो का अपलोड कर देने के बाद, वीडियो को जब अपलोड करेगा वो बंदा, तो क्या उसके वीडियो का जो व्यूज़ है वो इंक्रीज हो जाएगा? नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब आपके चैनल पर 0 सब्सक्राइबर्स एंड 0 व्यूज़ रहती है, आपके चैनल का जो ऑडियंस रहता है वो ब्लैंक रहता है, 0 रहता है, तब वीडियो का व्यूज़ कैसे इंक्रीज होगा? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपको कुछ ट्रिक इस्तेमाल करनी जानी है अपने यूट्यूब चैनल पर, करते जानी है, देन आपका जो चैनल है वो अलग्रो की तरह यूट्यूब चैनल है वो ग्रो हो जाएगा। अब देखिए क्या कुछ करनी है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे कि आप तो कस्टमाइज अपने YouTube चैनल का कर लोगे, लेकिन उसके बाद क्या करना होगा, आपके बेसिक फंडा जो न्यू क्रिएटर्स के लिए बताते हैं बिगनर क्रिएटर्स कि आपको थंबनेल लगानी है, टाइटल लगानी है, वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। आपको क्या करनी है, जब आप अपने YouTube चैनल पर बेसिक तरीके से जब वीडियो अपलोड कर दोगे, तो सबसे पहला तरीका आपको अनलिस्टेड में वीडियो अपलोड करनी है, ठीक। अनलिस्टेड जब आप अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करोगे क्रोम ब्राउजर से, अनलिस्टेड में वीडियो अपलोड करनी है। देन जब आप पूरी तरीके से वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स को अप्लाई कर दोगे एंड जब आप पब्लिश करोगे, पब्लिश करने के बाद आपको क्या करनी है, वीडियो को का जो लिंक है उसको कॉपी करके आपको क्या करनी है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जब आप वीडियो को अपलोड कर दोगे, वीडियो का लिंक कॉपी करके आपके जितने भी सोशल मीडिया में वर्कर्स हैं, जितना भी है, आपको भेज देनी है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, YouTube वीडियो का जो व्यूज़ है वो इंक्रीज्ड होने के लिए 3 ही घंटा मैटर करता है, अगर आपके YouTube वीडियो में, आपके वीडियो में कंटेंट में दम हुआ तो। तो देखिए, आपने सोशल मीडिया पे जब शेयर की तो आपको 1 घंटा में, ठीक है, आपको 1 घंटा में जितना भी आपका क्रेज़ है सोशल मीडिया पे सब जगह शेयर कर देनी है, जितना भी आपका क्रेज़ है जब आपने वीडियो अपलोड किया जस्ट तुरंत, ठीक है। अब जब आपने सोशल मीडिया 1 घंटा 3 घंटा मैटर करता है, आपके वीडियो का व्यूज़ जो है वो इंक्रीज होने में, तो आपको 1 घंटा आपको वीडियो का जो लिंक है उसे सोशल मीडिया पे शेयर करनी, जितना भी आपका क्रेज़ है दूसरे फ्रेंड को बोलो वहाँ शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, सब जगह आपने शेयर कर दिया। अब जो सेकंड टिप्स है मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि आपने शेयर कर दिया सब जगह सोशल मीडिया पर, अब आपको क्या करनी है, अगर आपके मोबाइल पर दूसरा मोबाइल, आपको क्या करनी है, 10 आपको जीमेल आईडी क्रिएट करनी है दूसरे मोबाइल से, 10 जीमेल आईडी जब क्रिएट करोगे तो देन क्या करना है, 10 जीमेल आईडी से आपको 10-10 बार वॉच करनी है अपने यूट्यूब वीडियो को, ठीक है, फुल वॉच करनी है। एक साइड में 3 डॉट पे जैसे क्लिक करोगे वहाँ पर स्पीड 2x का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, वीडियो का, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो साइड में एक कहीं इधर या फिर इधर में एक 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे क्लिक किया तो वहाँ पर नीचे में 2x का स्पीड का मतलब ऑप्शन मिलेगा, जब वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे सेक्शन में एक स्पीड 2x का एक दोगुना मतलब स्पीड का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करोगे तो ये जो वीडियो में नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ ये स्पीड तरीके से बोलने लगूंगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करनी है, जब आप जीमेल आईडी से जो भी आपने दूसरे मोबाइल को मतलब जीमेल आईडी जो
10 जीमेल आईडी क्रिएट किया, अब 10 जीमेल आईडी से दस बार एक जीमेल आईडी से आपको वॉच करनी है फुल 2x दो गुना स्पीड बढ़ाकर अपने वीडियो को। अब जब एक जीमेल आईडी से आप 10 बार वॉच करोगे तो 10 जीमेल आईडी से कितना बार वॉच करोगे, 100 बार। तो देखिए जब 100 व्यूज आपको आप अपने खुद से कंटेंट में अपने दम पर जब 100 व्यूज ला लोगे अपने YouTube वीडियो पर एंड आपने सोशल मीडिया से जो शेयर की अपने वीडियो का लिंक वहां से अगर 100 व्यू आ जाती है एंड अपने वीडियो अपने दम से अपने जीमेल आईडी जो क्रिएट किया था अपने दम से अगर 100 व्यूज अगर इंक्रीज कर लेते हो देन क्या होगा, 200 व्यूज जब आप अपने दम पे ला लेते हो अपने YouTube चैनल पर तब आपकी जो वीडियो है वो ब्राउजर फ्यूचर में चली जाती है। ब्राउजर फ्यूचर में जाने के बाद आपकी वीडियो जो है वो रैंक में आने लगेगी, दूसरे के होम पेज पर शो होने लगेगी वगैरह वगैरह, बहुत ही सारी वीडियो को मतलब जो आपकी वीडियो का जो व्यूज़ है वो बहुत जगहों से मतलब इंक्रीज होने लगी, वीडियो का इंप्रेशन बढ़ने लगेगा, CTR जो है वो हाई होने लगेगा, देन आपकी जो वीडियो का व्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली मतलब बढ़ने लगेगी। तो फ्रेंड्स यही तरीका जो है आप अपने YouTube वीडियो पर अप्लाई करो, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो आपको यही करना है देन आपकी जो वीडियो का व्यूज़ है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये छोटी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे होगी चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही टैक्स से रिलेटेड अदरवाइज को भी इन्फॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ को बनाता रहता हूं के लिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।